गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तेजस एजुहब पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 2 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमारी प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स से संबंधित क्लास होती है, आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए। ये करंट अफेयर्स राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के किस स्टेशन एयरबेस से लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन को उठा दिया गया है? उत्तरलाई एयरबेस, पोखरण एयरबेस, नाल एयरबेस, जोधपुर एयरबेस। आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये मिग-21, ये अधिक दुर्घटनाओं के कारण वह हादसा ग्रस्त होने के कारण इसे एयरबेस से उठाया जा रहा है। 2025 तक इस लड़ाकू विमान को संपूर्ण भारत के एयरफोर्स स्टेशनों से उठाने की योजना है। ये भारत का बहुत ही पुराना लड़ाकू विमान है, जिसकी 1971 की लड़ाई में बहुत ही महती भूमिका रही थी, लेकिन अधिक हादसे होने के कारण अब इसे हलविदा कहना पड़ रहा है। इसका उत्तर होगा उत्तरलाई एयरबेस, जो बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसको कल ही इसे अलविदा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। होम वोटिंग की सुविधा किस श्रेणी के मतदाता प्राप्त कर सकते हैं? 80+ बुजुर्ग, कोविड संक्रमित, 40% से अधिक दिव्यांग, उपयुक्त सभी। दोस्तों, पहले दो श्रेणी के नागरिकों को ये सुविधा प्राप्त थी, 80+ वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगजन, लेकिन इसमें एक श्रेणी को और जोड़ा गया है, वो है कोविड लक्षण से संक्रमित। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, वोटिंग का समय 11 घंटे कर दिया गया है, प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक। ये भी एक रिकॉर्ड है जो 11 घंटे कर दी गई है। होम वोटिंग की सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांगजन 40%+ और कोविड लक्षण, तीनों श्रेणियों को यह दी गई है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको 12 डी फॉर्म भरना होगा 4 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने नामांकन पत्र भर सकता है? दोस्तों, वर्तमान में नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है, तो एक उम्मीदवार कितने फॉर्म भर सकता है एक निर्वाचन क्षेत्र से? 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी, 4 फॉर्म भर सकता है एक उम्मीदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में एक उम्मीदवार कितने निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है? 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी, एक उम्मीदवार अधिकतम 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अगर वो दोनों ही सीटों से जीत जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर एक सीट खाली करनी होती है। दोस्तों, 6 महीने के अंदर नहीं, उसे तुरंत एक सीट खाली करनी होती है और उस खाली सीट पे 6 महीने के अंतर्गत मतदान करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन मरुधर, ऑपरेशन मदिराधर, ऑपरेशन मधुशाला, ऑपरेशन शराब पकड़ो। ऑपरेशन मदिराधर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आचार संहिता के दौरान पुलिस बहुत ही सतर्क है। अगर आप भी घर से बाहर निकल हैं तो 50,000 से अधिक अगर नकदी ले जाते हैं तो आपको उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर चलने होंगे, नहीं आपको पुलिस पकड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों ये तो छाप लेना, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आई स्टार्ट टैलेंट पोर्टल, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, उपयुक्त सभी। इस पोर्टल्स के माध्यम से जो नौकरी चाहने वाले हैं, बेरोजगार हैं, वह नौकरी देने वाली जो कंपनियां हैं, उन दोनों को एक मंच उपलब्ध हो सकेगा, और इसे नौकरी देने वाली कंपनियों को अच्छे कुशल वर्कर मिल सकेंगे, वहीं बेरोजगारों को नौकरियां मिल सकेंगी। यह आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसका नाम है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में एकमात्र विधानसभा निम्बा हेड़ा है जहां पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता अधिक हैं। निम्बा हेड़ा विधानसभा में महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से कितनी अधिक हैं? 140, 142, 242, 250, ऑप्शन नंबर बी। वहां पे महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से 142 अधिक हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा जिला जहां सर्वाधिक 100 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता हैं, 100+ के मतदाता, कहां पे सर्वाधिक हैं? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, राज एपिकॉन व प्रथम सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। एपिकॉन की फुल फॉर्म क्या होती है आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया। ये 34 राज एपिकॉन है जो कोटा में आयोजन किया जा रहा है, और फर्स्ट सेंट्रल जोन एपिकॉन है। याद रखिए तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोजन कोटा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस रैपिड रेल कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई है? अलवर से दिल्ली, भरतपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली, उपयुक्त सभी। आप यहाँ पे रैपिड रेल कॉरिडोर का चित्र देख पा रहे हैं, अलवर से दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। एक और अच्छा क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बिल्कुल अपनी नज़र गड़ा दें इस क्वेश्चन पे। प्रदेश के 26 जिलों के 400 सरकारी स्कूलों में किस बैंक के सहयोग से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुदरा बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ये स्मार्ट क्लासरूम है, वो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। 400 स्कूलों में सहयोग दे रहा है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में एक मतदाता बूथ पर औसत कितने मतदाता शामिल होंगे? या ऐसा मानिए, एक मतदाता बूथ पर औसत कितने मतदाता पंजीकृत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।